안녕하세요. 김대중입니다. 오늘은 성녀 이야기를 읽어드릴게요. 오늘의 기차는 이거예요. 이 끝까지 다 보자. 이 끝까지 다 보자라는 이야기. 읽어드릴게요. 빠른. परमेश्वर के लोगों ने उसकी आज्ञा उल्लंघना की, इसलिए उसने उनके दुश्मनों को उन्हें गुलामी में ले जाने दिया। उन्होंने यरूशलेम का नाश किया और बहुत से यहूदियों को उनके अपने देश बाबुल में ले गए। परमेश्वर के लोगों ने उसके आश्चर्य उल्लंघना के उल्लंघना की, इसलिए उसने उनके दुश्मनों के उन्हें गुलामी में ले जाने दिया। उन्होंने यरूशलेम का नाम नाश किया और बहुत से यहूदियों के उसके अपने देश बाबुल मैं ले के कोई इसे다니엘이 똑똑하고 그러니까 남편이지? 다니엘 바불 में गए यहूदियों में से एक था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और दिन में तीन बार उसे प्रार्थना की। परमेश्वर ने दानियेल को आशीष दी और वो उस देश में एक शक्तिशाली अगुआ बन गया। दानियेल बाबुल में गए यहूदियों में से एक था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि परमेश्वर ने दानियेल के आशीष दी और वह उस देश में एक शक्तिशाली अगुआ बन गया। योगेश धानी भी छपे다리우스 왕이에요. 다리우스 왕은 다니엘이 좋아했어요. 근데 다니엘이 싫어하는 사람이에요. 다이아몬드나요? 다음 페이지? दानियेल से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। लोग केवल राजा दारा से प्रार्थना कर सकते थे। जो कोई भी उल्लंघना करता है वो एक शेरों की मांद में डाला जाएगा। दारा सहमत हो गया। कुछ आगुवे दानियेल से
करते थे, इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। लोगों को फूल राजा दारा से प्रार्थना कर सकते थे। जे जे के ई बी उल्लंघना करता है वह एक शेरों की मांग में डाला जा एका दारा सहमत है गया। आपन सांगरी ओ थारियुस वांगिंते योके बारेस थारियुस वांगिंते छोराजी अंकोदो थारियुसरी संगीजा अनुमन भारो साजागुरे चापिक गदा라는 법을 만들어 달라고 이렇게 해달라고 했어요. 그래서 다리우스 왕은 슬프게도 이렇게 한다고 했죠. परमेश्वर ने दानियेल को आशीष दी और बाबुल में एक शक्तिशाली अगुआ बनाया। सही या गलत? परमेश्वर से प्रार्थना की और पकड़ लिया गया। दारा उदास था, वो दानियेल को पसंद करता था। उसने जाना कि उससे चालाकी की गई थी, पर वो कानून को नहीं बदल सकता था। दानियेल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। दानियेल ने अभी भी परमेश्वर से प्रार्थना की और पकड़ लिया गया। दारा उदास था, वह दानियेल के पसंद करता है था। उसने जाना कि उससे चालाकी की गई थी, पर वह कानून के नहीं बदल सकता था। दानियेल के शेरों की मांग फेंक दिया गया। दानियेल은 이 법칙을 알고 있었어요. 근데 다니엘은 계속해서 하나님만 기도하고 그랬어요. 그래서 신하들이 말했어요. 다리우스 왕님, 다니엘이 다리우스 왕한테
순종하지 않았습니다. 그러니까 사자굴에 던지시오 라고 했어요. 나쁜 신하들이. 그래서 사자굴에 던지게 되었어요. 다리우스 왕은 나쁜 사람들이 이룰 줄 몰랐어요. 근데 빠졌네. 베이지? शेर दहाड़े और दानियेल की तरफ आए, तब एक स्वर्गदूत पहुंचा। परमेश्वर ने उसे भेजा था। स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। दानियेल ने बिना किसी नुकसान के वहां पर रात बिताई। शेर दहाड़े और दानियल की तरफ आए तब एक सफ़ो गेरुदूत पहुंचा। परमेश्वर ने उसे भेजा था। सफ़ो गेरुदूत ने शेरों का मोह बंद कर दिया। दानियल ने बिना किसी नुकसान के वहां पर रात बिताई।그래서 사자굴에 건져 너무 좋네요. क्या दानियेल इसलिए पकड़ा गया और शेरों की मांग में डाला गया क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी? हाँ या नहीं? So, 사자의 입을 막아주었네요. 여기 배워보지 않을까요? 그 다음에 사자가 딱 5마리예요. राजा दारा ये देखने के लिए गए कि क्या दानियेल जीवित था। परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा, दानियेल ने कहा। राजा रोमांचित हुआ। दानियेल को शेरों की मांद से बाहर निकाला गया। निकुल लोने पर राजा दारा यह देखने के लिए कोई कि क्या दानियल जीवित था। परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए सफ़ोकल दूत को भेजा। दानियल ने कहा, राजा रोमांचित हुआ। दानियेल के शेरों की मांग से बाहर निकाला गया। 그래서 다리우스 왕은 아침에서 바로 이걸 열어달라고 했어요. 정말 놀랐네요.
다니엘이 살아있습니다. 귀엽다, 이렇게. 담배이지? तब राजा तारा ने दानियेल के दुश्मनों को मांद में डाल दिया। शेर उन्हें हड़प कर गए। राजा तारा ने उसके राज्य में दानियेल के शक्तिशाली जीवित परमेश्वर का आदर करने के लिए कहा। तब राजा तारा ने दानियेल के दुश्मनों दुश्मनों के को मांग में डाल दिया। शेर उन्हें हर्प कर गए। राजा दारा ने उसके राज्य में दानियेल के शक्तिशाली जीवित परमेश्वर का आदर करने के लिए कहा। कैसे दारियुस वांगनें इ 나쁜 사람들이 찾아보고 있더라고 했어요. 그 다음에 다루스 왕이 말했어요. 다니엘처럼 하나님을 믿으시오 라고 했어요. 하나님은 진짜로 계십니다 라고 했어요. 다루스 왕. 다음 페이지. दानियेल को मांद में डाला गया, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने किस किस्म के जानवर से उसकी सुरक्षा की? सम्मान ओ ये 내가 오늘은 성경 이야기를 읽어봤는데 어땠나요? 재밌었나요? 그럼 다음에 또 봐요. 바이바이.